मुनामबाम वक्स लैंड, केरल में वक्स बोर्ड के दावे को लेकर राजनीतिक तूफान। ईसाई और हिंदू समुदाय उतरे विरोध में। क्या है 404 एकड़ जमीन का स्थानीय लोग वक्स बोर्ड के इस दावे के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। मुनामबाम के ईसाई और हिंदू परिवारों ने इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मुलाकात की है। मुनामबाम लैंड केस एर्नाकुलम, देश में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर चल रहे शोरगुल और हंगामे के बीच केरल के एर्नाकुलम जिले में वक्फ के द्वारा एक जमीन पर दावा किए जाने का जबरदस्त विरोध हो रहा है। केरल में हिंदू और ईसाई समुदाय के लोग इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बताना होगा कि बीते कुछ महीनों में संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर अच्छा खासा हंगामा हो चुका है। हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेजना पड़ा था। मुस्लिम नेताओं का आरोप है कि BJP उनके धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साफ कर चुका है कि वह वक्फ कानून में किसी भी तरह के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। केरल के राज्य वक्फ बोर्ड ने पिछले काफी समय से एर्नाकुलम जिले के मुनामबाम तट पर 404 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोका हुआ है। अहम बात यह है कि इस जमीन पर 600 ईसाई और हिंदू परिवार कई पीढ़ियों से साथ साथ रह रहे हैं। स्थानीय लोग वक्फ बोर्ड के इस दावे के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। केरल में वायनाड संसदीय सीट के साथ ही चेलाकारा और पलक्कड़ की विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई है और इस दौरान BJP ने इस मामले को मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसके अलावा पलक्कड़ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। यहां बताना जरूरी होगा कि पिछले महीने ही केरल की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस लेने के लिए कहा था। मुनामबाम के ईसाई और हिंदू परिवारों ने इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से मुलाकात की है। इसे लेकर केरल के सैकड़ों चर्चों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस मुद्दे को लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है। हालात को देखते हुए केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने 22 नवंबर को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री और राज्य के तमाम आला अफसर मौजूद रहेंगे। इस साल अगस्त में जब लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था, तब सिरो मालाबार चर्च और केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने JPC को पत्र लिखकर यह जानकारी दी थी कि वक्फ बोर्ड ने मुनामबाम में ईसाई परिवारों की संपत्तियों पर अवैध रूप से दावा किया है। यह जमीन जिसे लेकर विवाद हो रहा है, केरल के एर्नाकुलम जिले में वाइपन द्वीप के उत्तरी किनारे पर मुनामबाम के कुचुपल्ली और पल्लीपुरम गांवों तक फैली हुई है। यहां लंबे वक्त से मछुआरा समुदाय के लोग रह रहे हैं। इस जमीन पर रह रहे लगभग 604 परिवारों में से 400 परिवार ईसाई हैं। ये लैटिन कैथोलिक समुदाय से आते हैं, जिन्हें ईसाइयों में पिछड़ा समुदाय माना जाता है, जबकि बाकी परिवार हिंदुओं में पिछड़े समुदाय के हैं। ये पूरा विवाद 1902 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन त्रावणकोर के राज परिवार ने 404 एकड़ जमीन को अब्दुल सत्तार मूसा सैत नाम के व्यापारी को पट्टे पर दे दिया था, जबकि पहले से ही इस जमीन पर मछुआरा समुदाय का कब्जा था। 1948 में अब्दुल सत्तार मूसा सैत के दामाद मोहम्मद सिद्दीक सैत ने इस जमीन को अपने नाम रजिस्टर करवा लिया था और उसने इस जमीन को कोझिकोड के फारूक कॉलेज के मैनेजमेंट को सौंप दिया। ये कॉलेज मूल रूप से मुस्लिम समुदाय की अच्छी तालीम के लिए बनाया गया था। 1 नवंबर 1950 को कोची के एडापल्ली में सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में इस जमीन से जुड़ा एक वक्फ दस्तावेज रजिस्टर किया गया और इसमें मोहम्मद सिद्दीक सैत ने जमीन को फारूक कॉलेज के मैनेजमेंट को दान कर दिया। वक्फ दस्तावेज एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें इस्लामी कानून के तहत किसी संपत्ति को स्थायी रूप से दान या धार्मिक मकसद से किसी को दे दिया जाता है। फारूक कॉलेज के मैनेजमेंट को लगभग एक दशक बाद इस जमीन का मालिकाना हक मिला, लेकिन 1960 के अंत में इस जमीन पर रहने वाले लोगों और कॉलेज मैनेजमेंट के बीच कानूनी विवाद शुरू हो गया। जो लोग इस जगह पर कई पीढ़ियों से रह रहे थे, लेकिन उनके पास अपने मालिकाना हक को साबित करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था। दूसरी ओर फारूक कॉलेज का मैनेजमेंट इन्हें इस जमीन से बेदखल करना चाहता था। आखिरकार ये